मौजूद हैं ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डिस्प्ले सेक्शन में और वक्त आ गया है कि हम आपको इनकी एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाएं जिनको बनते हुए हमने आज के प्रोग्राम में आपको दिखाया, चाहे वो ब्लेड्स हो और ब्लेड्स की भी बड़ी वैरायटी जो है ये लोग तैयार करें, चाहे सेवन डेज हो, तेज हो, ट्रिम हो, टी जैक्स हो, और द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट प्लैटिनम ब्लेड जो है ये चाइना एक्सपोर्ट भी हो रहा है। ट्रीट कॉर्पोरेशन में ये ब्लेड्स तैयार किए जा रहे हैं और चाइना बनकर जा रहे हैं, जो कि बिलाशुबा पाकिस्तान के लिए एक प्राइड है। ना सिर्फ ब्लेड्स हैं बल्कि रेजर्स की भी एक एक्सटेंसिव रेंज है जो कि ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो रेजर 2 हो, ट्रिक 2 हो, ट्रीट 2 हो, सुपर फ्लैश हो। अच्छा, फिर इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की पैकिंग है, कहीं पे 5 रेजर्स को एक पैक में जो है पैक करके मार्केट तक पहुँचाया जा रहा है। ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ब्लेड मेकिंग प्रोसेस शुरू होता है R&D डिपार्टमेंट से, जहां ना सिर्फ प्रोडक्ट इनोवेशन और एफिशिएंसी पर काम किया जाता है बल्कि फैक्ट्री में तैयार होने वाली प्रोडक्ट्स का इन डेप्थ क्वालिटी चेक भी किया जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ब्लेड बनाने के लिए ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टेनलेस स्टील शीट्स के कॉइल इंपोर्ट करती है। इंपोर्टेड कॉइल्स को ब्लेड हॉल में परफोरेशन प्रेस सेक्शन में शिफ्ट किया जाता है। परफोरेशन प्रेस मशीन पर कॉइल को खोलकर ब्लेड के मखसूस पैटर्न में काटा जाता है और दोबारा कॉइल की शक्ल में रैप करके हार्डनिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। शीट में मजबूती और पायदारी लाने के लिए इसे एक्सट्रीम टेम्परेचर से गुजारा जाता है। इस अमल के लिए शीट को डीकॉइल करने के बाद फर्नेस में तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और मशीन में लगे पंखों की मदद से टेम्परेचर नॉर्मल करके फौरी तौर पर शीट को इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर मशीन की मदद से तकरीबन -70 डिग्री सेल्सियस के सर्द टेम्परेचर से भी गुजारा जाता है। यहाँ पर मौजूद एक्सपर्ट्स मैनुअली भी शीट की स्टिफनेस और मजबूती को चेक करते हैं और फिर टेम्पर्ड शीट को रिकॉइल के बाद प्रिंट सेक्शन में भेज दिया जाता है। अगले मरहले में तैयार टेम्पर्ड शीट्स पर पहले ट्रीट का नाम प्रिंट किया जाता है और फिर खास मशीनों की मदद से ग्राइंडिंग करके ब्लेड के शार्प एजेस तैयार किए जाते हैं। फाइनल प्रोडक्ट को इंस्पेक्शन सेक्शन में भेजा जाता है, जहां एक्सपर्ट्स मैनुअली इनकी क्वालिटी चेक करते हैं। इस मरहले में ना सिर्फ खराब ब्लेड को अलग किया जाता है बल्कि हेयर टेस्ट में बाकायदा ब्लेड के जरिए बाल की खाल उतार कर इसकी शार्पनेस चेक की जाती है। इंस्पेक्शन सेक्शन से तैयार ब्लेड रैपिंग और पैकिंग सेक्शन में भेजे जाते हैं, जहां पर मशीन की मदद से ब्लेड्स को 2 पेपर कवर्स में रैप किया जाता है और फिर 1, 5 या फिर 10 ब्लेड्स के पैकेट्स बनाए जाते हैं। आखिर में ब्रांडिंग की मुनासबत से पैकेट्स को मुख्तलिफ बॉक्सेस और डिस्प्ले हैंगर्स में पैक करके वेयर हाउस शिफ्ट कर दिया जाता है। ब्लेड के बाद बारी आती है रेजर की, जिसके लिए ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डिजाइन सेक्शन में इंजीनियर्स और डिजाइनर्स प्रोडक्ट की क्वालिटी और एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए इसके नित नए डिजाइन्स तैयार करते हैं। बल्क प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले अप्रूव डिजाइन्स के मोल्ड्स तैयार किए जाते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन में लेटेस्ट मशीन्स पर रेजर्स के मुख्तलिफ प्लास्टिक कॉम्पोनेंट्स बड़ी तादाद में तैयार किए जाते हैं। यहाँ तमाम मशीनों को खवातीन वर्कर्स ऑपरेट करती हैं, जो ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में विमेन एम्पावरमेंट का एक वाज़े सबूत है।
रेजर्स के तमाम कंपोनेंट्स को असेंबली सेक्शन में भेजा जाता है, जहां ना सिर्फ लेटेस्ट मशीन पर रेजर्स के हेड कंपोनेंट्स में ब्लेड लगाकर कार्ट्रिज तैयार की जाती है, बल्कि रेजर के हैंडल को हेडर के साथ असेंबल भी किया जाता है। ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में लेटेस्ट मशीन पर डिस्पोजेबल उस्तरे भी तैयार किए जा रहे हैं, जो एक दफा इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं और हिफ्जान सेहत के लिए निहायत अहम है।